पिताश्री। क्या पुत्री, उस पर क्या यूं ही कम वज्र गिरे हैं जो तुम राजसी वस्त्र त्याग कर सन्यासिनी का रूप धारण करके मुझ पर एक और वज्र गिरा रही हो? अरे मेरा पुत्र राम अयोध्या का युवराज नहीं बना तो क्या हुआ? तुम अब भी रघुकुल के पुत्र वधु हो। जाओ जाओ, मुझ पर दया करके ये वस्त्र बदल करा। जाओ। पिताश्री, यदि मेरे कारण आपको कोई भी दुख पहुंचे तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी अपने पति के साथ जा रही हूं। कहां? वनवास के लिए। नहीं नहीं पुत्री, नहीं। ऐसा लगाओ पुत्री, उस पर इतना बड़ा अन्याय ना करो। कुछ तो सोचो, तुम्हें मिथिला से लाते समय मैंने मिथिलेश को यह वचन दिया था कि मैं उनके घर से पुत्रवधू नहीं, पुत्री लेकर जा रहा हूं। उसे अयोध्या में कभी कोई कष्ट न होने दूंगा। पुत्री, क्या मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा? नहीं पिताश्री, अयोध्या नरेश का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। रघुकुल की इस रीति का सबसे बड़ा उदाहरण आज का दिन है। आपने पिताश्री को जो वचन दिया था वो आपने पूरा किया। मैं जितने भी दिन यहां रही, पुत्र वधु नहीं पुत्री बन के रही, किंतु मैं भी वचनबद्ध हूं। मैंने भी पिताश्री को वचन दिया था कि जहां मेरे पति रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। मुझे भी मेरा वचन पालन करने दीजिए। हाँ पिताश्री, मैं भी संकल्पबद्ध हूं। मैं भ्रातृश्री का साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे अनुमति दीजिए। नहीं, देख रही है, देख रही है, तेरे कारण मेरा हरा भरा घर उजड़ा जा रहा है। वो उपवन जिसे मैंने अपने रक्त से सींचा था, तेरे कारण, केवल तेरे कारण पतझड़ की भेंट चढ़ रहा है। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा निर्णय सर्वथा उचित था। आपको सचमुच मेरे पुत्र के साथ तनिक भीसने नहीं। आप तो ये चाहते ही नहीं थे कि वो अयोध्या का युवराज बने। पुत्री सीता और पुत्र लक्ष्मण समझदार हैं। इन्हें ज्ञात है कि यदि ये अयोध्या में रहेंगे तो मेरे पुत्र भरत के विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा। आप दोनों धन्य हैं। मैं आप दोनों की आभारी हूं। माता, यदि कोई अनुज भरत के विरुद्ध विद्रोह करता तो उसे प्रथम मुझसे टकराना पड़ता। यह रघुवंश है माता, इसकी परंपरा गौरवशाली है। यहां कुछ भी हो सकता है माता, किंतु परिवार की एकता कभी भंग नहीं हो सकती।
सूर्यास्त से पहले हमें नगरी छोड़कर जाना है, बिता दीजिए। नहीं पुत्री, मत जाओ, मत जाओ पुत्री। राम, राम, लक्ष्मण, पुत्र राम, मत जाओ पुत्र, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। क्या हुआ महारानी? दासी को भेजकर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मैंने नहीं, इन्होंने बुलाया है आपको। सुमन महाराज, सुमन मुझे यहाँ से ले चलो। सुमन महाराज, मैं और अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकता। महाराज, यहाँ चारों ओर इस विषैली नागिन का विष बिखरा पड़ा है, मेरा दम घुटा जा रहा है। सुमन महाराज, मैं भी सेवकों को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, केवल तुम्हारा सहारा ही शेष है। मुझे अपने कंधे का सहारा दो भाई, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे 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 सहारा दो सुमन। महाराज मुझे सहारा दो सुमन। उठिए महाराज, संभलिए। मैं तो तेरा मुख देखना ही नहीं चाहता भागन, किंतु तू भी मेरा मुख अंतिम बार देख रही है। आज के बाद तू मेरा मुख कभी नहीं देख पाएगी, कभी नहीं। चलो सुबंध, ले चलो मुझे यहां से। संभल कर महाराज, लेट जाइए महाराज। किसको पता था कि वो दिन भी आएगा जब आती जाती सांस जीवन पर पहुंच सिद्ध होगी। अब तनिक विश्राम कर लीजिए महाराज। कैसा विश्राम सुमंत, टूट चुका हूं। निराश मत होइए महाराज। सुमंत, मेरी निराशा आशा में बदल सकती है। यदि तुम मेरा एक कार्य कर दो। आदेश दीजिए महाराज, आपके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। सुमंत, मेरी इच्छा है कि पुत्र राम का रथ तुम को, जब वो अयोध्या की सीमा और गंगा पार कर ले तो उसे कहना कि उसने मेरा आधा आदेश पूरा कर दिया। वो अयोध्या नगरी सीमा पार कर चुका, आप लौट चले। अयोध्या नगरी के समीप एक घना वन है, 14 वर्ष वो उसी वन में काटे। बहुत ही उत्तम विचार है महाराज, इस प्रकार आपका आदेश वचन तथा वनवास भी पूरा हो जाएगा और आपके पुत्र
आपसे दूर नहीं रहेंगे। दुष्पर शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ सुमंत, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र राम चला जाए। तुम्हारे लौटने तक मेरे नेत्र द्वार पर लगे रहेंगे मित्र। मैं जाता हूं महाराज। सुमंत सुमंत एक बात और मित्र, यदि मुझे कुछ हो जाए सुमंत तो वो पापिन कह गए मेरे शव को छूने न पाए। सुमंत छूने न पाए, ये हमारा आदेश है सुमंत। आपको कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा आपको। मैं जाता हूं। शीघ्र लौटना।